छतरपुर एक्सप्रेस। चंदला विधानसभा के गौरहार बाजार में चुनावी माहौल है और त्योहार का बाजार है और हमारे साथ खड़ी हुई है एक लाडली बहना। आपको लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है? एक हजार रूपए मिल रहा है। एक हजार हर महीने मिल रहे हैं? हर महीने। अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है, हजार रूपए मिल रहे हैं। यहाँ तवा की हजार रूपए मिला थी हमें। अच्छा, बहना खड़ी हुई है, माता जी लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है आपको? हमको नहीं, दो महीना मिला, अब नहीं मिल रहा, तीन महीना से। अच्छा, काहे नहीं मिल रहा है? अब हम कहाँ पता है, कौन हम पढ़े लिखे हैं इनकी हमें मिले। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हर बहना को हम घर घर जाके 1250 रुपए भिजवा रहे हैं। हमें तीन महीने से नहीं आओ, रक्षाबंधन से नहीं आओ हुआ है। अच्छा, किसको कमी मानती है इसमें? हम कहाँ बताऊँ, क्या ही कमी है। अच्छा, खेती किसानी होती है? हमारे कुछ नहीं है, बताए नहीं तो कहाँ। स्वागत है आपका जी। इस समय पर अगर बात की जाए तो युवाओं के बीच या किसानों के बीच कैसा माहौल है? त्योहार का मौसम है और आवारा पशुओं को लेकर तमाम किसान परेशान है, कैसा? जी, यहाँ किसान बहुत परेशान हैं। किसान घर में नहीं रह पाते, हार में सोते हैं। ये 18 साल बीजेपी की सरकार रही लेकिन कुछ नहीं किया इन्होंने। किसान परेशान हैं, ये मानिए कि इतना परेशान है किसान। अब जब चुनाव का समय आया तब जो है किसानों की याद आई। अच्छा, लाडली बहनों को हर महीने 1000 रुपए 1250 रुपए दिए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, यदि 18 वर्ष पहले सरकार रही, इसके पहले लाडली बहनों की याद नहीं आई। अब चार माह से उन बहनों की याद आई, जब चुनाव आया तब याद आई, इसके पहले बहनें कहाँ गई थी। अच्छा, बीते रोज भाजपा ने शैतान सिंह पाल को बुलाया है पाल समाज को मनाने के लिए। जी, तो क्या पाल समाज का रुझान अब किस तरफ जा रहा है? पाल समाज ने बराबर जवाब दिया कि शैतान भैया, जब इसके पहले चुनाव हो जाता तो आप कहाँ रहते हैं, 5 साल बाद जब चुनाव आता है तब आपको पालों की याद आती है। सही या नहीं, ठीक है ना? इसके आओ नहीं, जब से जीत तो। अच्छा, जब से नाम है आपका? हमारा राम अवतार। पूरा नाम बताइए। राम अवतार श्रीवास। श्रीवास जी। अच्छा, इस बार जो बाहरी नेता आ रहे हैं उनका प्रभाव, उनका जादू चलेगा चंदला में? है का चली, क्षेत्र क्षेत्रीय के चली, जौन क्षेत्र का हुई वह जीती। अच्छा, बाहरी न जीती। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, महंगाई को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, महंगाई के बारे में क्या कहना है आपको? महंगाई का तुम्हार माए डाठी जी एस टी महंगाई की। अच्छा, सरकार ने छोटे दुकानदारों के लिए पथ विक्रेता के लाइसेंस मुहैया कराए थे, उससे फायदा हो रहा है आप लोगों को? इसकी हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको जानकारी ही नहीं है? एक योजना ये लाडली बहना, हाँ। उसका लाभ मिल रहा है आपको? हाँ। लाभ मिल रहा है। हाँ। अच्छा, एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है और एक तरफ 1000-1200 रुपए दिए जा रहे हैं। हाँ, तो ये क्या चुनावी माहौल बनाने का है कि वाकई में मदद? ये मतलब नहीं है उनको पता। ये स्कीम आई थी कि छोटे जो व्यापारी हैं पथ विक्रेता वाले, जैसे ठेले वाले, तो इनके लाइसेंस बना गए थे, तो क्या आपको उसका सुविधा का लाभ मिल रहा है अभी तक? हमें तो नहीं मिला। हमें जानकारी है आपको इस चीज़ की? इस चीज़ की जानकारी नहीं है मोर उनको। आपके लाइसेंस नहीं बने हुए? उसमें 1200 और 1000 रुपए महीने के मिलते हैं, आपको लाभ मिल रहा है? हमें नहीं मिल रहा। किसको उम्मीद, किसका दोषी मान रही, किसकी वजह से? हम नहीं भर पाया, फार्म नहीं भर पाया। तो जानकारी नहीं लगी कि आपने भरा नहीं? जानकारी नहीं लगी। ये महंगाई को लेकर क्या कहना है? भाजपा की सरकार में महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। अच्छा, युवाओं के लिए सरकार क्या कर पाई है? 18 युवाओं के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई है। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो युवाओं के लिए बहुत कुछ करेगी। अच्छा, किसानों का कहना है कि नहर और आवारा पशुओं की भारी समस्या है। 18 साल से कांग्रेस उसकी सरकार रह चुकी है भाजपा की, कह रहे हैं नहर ला रहे हैं, नहर ला रहे हैं, नहरें नहीं आ रही है यहाँ पे। अच्छा, इसके लिए दोषी कौन है? दोषी भाजपा सरकार है। और आवारा पशुओं को लेकर क्षेत्रीय किसान बहुत परेशान है। बस दोषी ये जो किसान परेशान है, इनकी गौशालाएं बनाई गई हैं, ये गौशालाएं चालू हो जाती है अगर, ये आवारा क्यों घूमते? आवारा नहीं घूमते तो किसानों का हित हो जाता कहीं ना कहीं। चलना का माहौल कैसा? चलना विधानसभा की बात, बदलाव का माहौल है। बदलाव का माहौल। युवा कितने संतुष्ट हैं सरकार से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्या कारण है कि युवा अभी आक्रोशित है? भाजपा सरकार से नहीं है युवा, युवाओं को मनाने में सरकार कामयाब नहीं रह पाई है। कहाँ कमी रही सरकार से? सरकार से यही देखो, गोरु फिर रहा है, किसान परेशान है उसमें। अच्छा, नहर का सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है कि नहर नहीं है बारीगढ़ और गौरहार सर्कल में। हाँ, नहर नहीं है, इससे किसानों को कितनी परेशानी हो रही? बहुत परेशानी है, देखो कैसे खेत सूखे पड़े हैं,
कहीं दाना जामा है कहीं नहीं जामा है। अच्छा, चुनाव में बात करें तो क्षेत्रीय और बाहरी का मुद्दा कितना इस बार काम करेगा? बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्षेत्रीय बाहरी का मुद्दा भी काम करेगा। हाँ। राम राम भाई। कैसा माहौल है चंदला का? बहुत बढ़िया। बढ़िया ला माहौल। अच्छा, किसानों के लिए सरकार कितना क्या कर पाई 18 सालों में? कुछ नहीं, जीरो। अच्छा, किसान क्यों नाराज है, क्या कमी रह? क्या करे, मानो कह करनी कथनी में इनके अंतर है, इसलिए नाराज है। कहते कुछ है करते कुछ। बी डी शर्मा कह गया था कि गौरिहार नहर आएगी, आज तक नहीं आई। अच्छा, बारीगढ़ और गौरिहार सर्किल में लगातार नहर की मांग की जा रही है। अरे 18 सालों में प्रदेश में भाजपा की सरकार है, विधायक सांसद यहाँ भाजपा के हैं, क्या कारण रहा कि ऐसे साधन यहाँ पर नहीं आ पाए? अब इन्हीं की कमजोरी है सरकार की, जनता की थोड़ी कमजोरी, जनता ने तो बैठा दिया, कमजोरी सरकार की है जो कुछ नहीं कर पा रही है। अच्छा, एक आवारा पशुओं का मुद्दा तो बहुत ही ज़्यादा है। वो गौशालाएँ बनाई गई, पता नहीं कहाँ कागज़ में बनी है, साली सब चल रही हैं। अच्छा, क्षेत्रीय और बाहरी का मुद्दा कितना रहने वाला? क्षेत्रीय तो रह भाई करेगा यार, बाहरी काहे को यहाँ आवारा पाल लेंगे? बाहरी आवारा क्यों पालेंगे, क्या वो हमको छतरपुर में जिता देगा कोई? आप बताइए तो, क्यों ना वो हम मारने जाए अपने क्षेत्र में, क्यों ना रहे? अच्छा, एक और बुजुर्ग साथी हमारे बीच, दादाजी राम राम। राम राम। कैसा माहौल है चंदला विधानसभा का? अरे चंदला सब विधानसभा जो होती है 18 साल से बैठ रहे हो, ये सब बेकार कर दी है, कोई नहीं आए हैं। अच्छा, किसानों की क्या समस्या है? किसानों का सब माटी में मिले हैं, नहर को लेकर, ना पानी, ना नहर, ना गोरू बछेरू सब आईरा चल रहे हैं। क्या कारण रहा कि लगातार प्रदेश में सरकार भी उन्हीं की रही? जब घूस खा रही थी, आपको कहा कौन सरकार नहीं सुन रहते हैं जितने बैठे हमें हैं। अच्छा, घूसखोरी ज़्यादा हो रही है? घूसखोरी हो रही है, 10 रुपये लाके कहा 50 रुपये लेते हमें, 100 रुपये। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले की योजना चलाई है बहुओं बेटियों के लिए, लाडली बहना योजना, 1200 रुपये, 1000 रुपये नाम के लिए यार। वह कहते जैसे वोट का समय आ गया है, जब वह कहते बहन के दे तो बहन के दे, तो बहनों का कहा था भाई घोड़े का। अच्छा, बात करें दादाजी, सरकार बनने मतलब अगर चुनाव की बात करें तो क्या 1000 और 1200 रुपये महिलाओं को देने से कुछ बदलाव आएगा सर? यहाँ नहीं आएगा कुछ, 2000 नहीं, जब 1500 दे चाहे 2000 दे। अच्छा, बात करें क्षेत्रीय और बाहरी की, तो चुनाव में कितना ये मुद्दा काम करेगा? जौन ये क्षेत्र का वही के पाव का है। अच्छा, जनता क्षेत्र की क्या चाहती है? क्षेत्र के जब विकास करी वही का पाव। कहाँ गए हो दादाजी? यहीं चंदला विधानसभा के हो? अच्छा, खेती किसानी होती है? अच्छा, खेती किसानी में समय पर खाद बीज नहर का पानी सब मिल जाता है? नहीं। फिर कैसे होती है खेती किसानी? होती है। अच्छा, आवारा पशुओं की कितनी समस्या है गांव में? गांव में समस्या तो है। क्या चाहते हैं? गौशाला बना थे, कहीं कुछ बना थे, तो कुछ नहीं बने। अच्छा, नहर की लगातार मांग की जा रही है बारीगढ़ गौरिहार सर्किल में, और नहर 18 सालों से नहीं बन पाई है, किसको दोषी मानते हैं? मैं कहा दोष है, बनवा में बने का दोष है। अच्छा, इस बार जनता का क्या रुझान है चुनाव में? अब मैं कहा बता सकता, जनता का ही बताओ। आपका क्या? हमारा तो जैसा है तैसा है। चलिए ठीक है। लिए सरकार क्या कर पाई 18 सालों में, जो जवान लोग हैं उनके लिए क्या कर पाई 18 साल? कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। बड़े बड़े इनका भाई सब कुछ झुका हुआ है, छोटे इनका का होता है? 1200 का महीना देता, 1500 का देता, 5000 का महीना निकारा था। अच्छा, सबसे ज्यादा लाडली बहनों को पैसे दिए गए हैं? हाँ, तो अपने यहाँ जेब के देते कि हमारे और उनके यहाँ देते? खपरी में कर्जा लाद जाते किसी को दी गई है, किसी को नहीं दी गई। जिसके पास ट्रैक्टर हो मोटरसाइकिल हो उसको ये योजना लगाई गई है। अच्छा जी, तो इस योजना को सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? पहले तो हम सही मानते थे, लेकिन अब ये सारा झूठ है। तो अब जनता क्या चाहती है? जनता
जनता चाहती है हमें सरकार दूसरी बनाना है, दूसरी सरकार बनानी है। खेती किसानी होती है अपने पास? जी सब होती है, समय पर खाद बीज मिल जाते हैं, सब मिलता है, लेकिन अब दूसरी हम चाहते हैं। क्यों नहीं मिलती है यार? शासन के रेट से मिलती है, शासन के रेट से मिलती है? नहीं, शासन के रेट से नहीं, खाद मिलाने बीज मिला प्रति डेढ़ी है धरती समाजवादी का कहाँ। अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जिम्मेदार देखे अंडर महा हुआ हुई हमारे अंडर महा, हम तो है? कुछ करी नहीं रही सरकार बट को। अच्छा, नहर की लगातार मांग की जा रही है कि बारीगढ़ गौरिहार में भैया नहर नहीं है। यहाँ मही का नहीं भैया का हो तो कही कहू कही नहीं रहो कि नहर आएगी होगा काम अटको है। अच्छा, 18 सालों से प्रदेश में सरकार रही है भाजपा की, डीपीपी कुछ रखी जाए, जनता खुश क्यों नहीं है? कहे कहे के खुश हो, 18 साल से रही निकाल दिन गया, कहे निकाल दिन गया। अच्छा, मोदी जी आए थे अभी छतरपुर, तो वो करीब एक घंटे तक भाषण देते रहे, उन्होंने एक भी बार ना तो शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया मुख्यमंत्री का, ना लाडली बहना का लिया, क्यों नहीं लिया? मोदी जी तो मगर कौन बनेगी अब जो नहीं परमात्मा जाने क्या अपनी जान बदल रही है।